अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी से चौमिन। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे मैगी से चौमिन बनाया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मैगी चौमिन। ये खाने में बिल्कुल चौमिन जैसा ही लगेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे मैगी से बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो आइए दोस्तों, इस बढ़िया सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम यहाँ सब्जियाँ ले लेंगे, गाजर कटा हुआ, शिमला मिर्च कटा हुआ और प्याज कटा हुआ। हमने सारी सब्जियों को एक ही सेम साइज में काट लिया है, इस तरीके से लंबे लंबे। और हम ले लेंगे लहसुन कटा हुआ, और थोड़ा ले लेंगे नींबू का रस, हरी मिर्च कटा हुआ, और ले लेंगे काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा सोया सॉस, और हम लेंगे 2 पैकेट मैगी और टमाटो केचप। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब हम चौमिन बनाते हैं। सबसे पहले हम गर्म पानी में मैगी को ढाल देंगे और इसको 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। इसको उबालना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है। 30 सेकंड हमारे हो गए हैं, अब हम पानी को छन्नी से छान लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके ऊपर ठंडा पानी ढाल के इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। दोस्तों ठंडा पानी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल भी उबले ना, क्योंकि हमने इसे अभी अभी गर्म पानी से उबाल लिया था। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये खिले खिले रहें। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गाजर भी ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिलाते रहेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हमारे हो गए हैं, अब इसमें नूडल्स को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे और नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर देंगे, आप इसकी जगह चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे। दोस्तों हमने 2 मैगी के पैकेट्स लिए थे, तो हम मसाला भी 2 ही पैकेट डालेंगे। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है बिल्कुल इस तरीके से, ताकि आपके जो चौमिन होंगे वो खिले खिले रहें। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि चौमिन कितनी जल्दी बनके रेडी हो जाता है, वो भी मैगी से। और ये खाने में बिल्कुल चौमिन जैसा लगता है, कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने मैगी से बनाया है। दोस्तों ये इतना टेस्टी है कि आप बाहर का चौमिन डेफिनेटली भूल जाओगे। तो हमारा चौमिन एकदम रेडी है, तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है ना मैगी से चौमिन। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही जल्दी बन जाता है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। ये बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आने वाली रेसिपी है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।